आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन और प्याज की बहुत ही मज़ेदार चटपटी सब्जी, जो कि फटाफट से तैयार हो जाती है। और घर में अगर कोई हरी सब्जी नहीं है तो ये सब्जी आप बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने किस तरीके से बेसन और प्याज की सब्जी बनाई है। प्याज की सब्जी बनाने के लिए गैस पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब बेसन। तो यहाँ पर मैंने ये 2 से 3 चम्मच के करीब बेसन डाल दिया और गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए बेसन को भून लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो बेसन है वो भुन गया है, पहले पैन में चिपक रहा था, अब चिपक भी नहीं रहा और इसका कलर भी चेंज हो गया, तो इसे हम पैन से निकाल लेते हैं। इसके बाद मैंने दोबारा से एक पैन ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब तेल। तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच के करीब जीरा, साथ में यहाँ पर 2 से 3 पिंच के करीब हींग डाल रही हूँ। इसके बाद यहाँ डाल रही हूँ मैं बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ 4 से 5 और 2 से 3 हरी मिर्चें। हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 मीडियम साइज के प्याज। मिला लेंगे, प्याज को मैंने मिला लिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने से प्याज हमारी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, इसे भी मिला लेते हैं। मिलाने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे ताकि प्याज हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पर प्याज हमारे हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब डाल लेते हैं इसमें मसाले। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मिला देंगे और 2 मिनट के करीब हम मसाले के साथ प्याज को भूनेंगे। 2 मिनट के करीब मैंने मसाले के साथ भी प्याज को भून लिया है। इसके बाद हम डाल देंगे भुना हुआ बेसन। मिला देंगे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच आमचूर का पाउडर। तो यहाँ पर ये मैं आमचूर का पाउडर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच और अच्छे से मिलाएंगे। 1 मिनट के करीब हम बेसन डालने के बाद भूनेंगे, उसके बाद हमारी ये सब्जी तैयार हो जाएगी। बेसन को अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसे 1 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। 1 मिनट के बाद सब्जी में मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच गरम मसाला और इसके साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये मैंने हरा धनिया भी डाल दिया। मिला देंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जी फ्रेंड्स, तैयार है हमारी प्याज की सब्जी। और इस सब्जी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, कि यहाँ पर जो प्याज के स्लाइस है वो क्रंची ही रहने चाहिए। तो इस तरीके से आप ये प्याज की सब्जी बनाइए और रोटी पराठों के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ज़रूर ट्राई करें और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। कमेंट करके शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।